Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अक्वामे मुत्तहदा में इसराइल के खिलाफ वोट कनाडा की पॉलिसी का हिस्सा है। ट्रूडो कहते हैं इसराइल से अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। कैनेडियन हुकूमत का 20 मिलियन लोगों के लिए टैक्स में छूट का ऐलान, कम आमदनी वाले अफराद को मंसूबे से फायदा होगा। हैमिल्टन पुलिस ने चोरी की गाड़ियां बाहर भेजने वाले गिरोह को पकड़ लिया, मुलजिमान से 7 गाड़ियां बरामद की गईं। ऑन्टेरियो के अटॉर्नी जनरल ने कानूनी इमदाद के लिए माली मुआवजे की कटौतियों को रोकने के मंसूबे को मुअत्तल कर दिया। रवा हफ्ते के दौरान सदर ट्रंप के मुआखजे के बारे में वोटिंग कराई जा सकती है। अदालती कमेटी के सरबराह का कहना है कि मुआखजे का मामला 3 से भी कम मिनट में हल हो जाएगा। अमेरिका ने 18 साल अफगान वॉर में हकायक को आवाम से हमेशा छुपाया। अमेरिकी अखबार ने अफगान जंग के बारे में खुफिया दस्तावेजात शाया कर दी। चिली का फौजी तैयारा बर आजम अंटार्कटिका में लापता हो गया। तैयारे में 3 सिविलियन अफराद समेत 38 अफराद सवार थे। न्यूजीलैंड में आतिशबाजी फट पड़ा, हलाक सयाहों की तादाद 5 हो गई। जसिंडा आर्डर्न ने मरने वाले अफराद के लवायकीन से गहरे दुख का इजहार किया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अक्वामे मुत्तहदा में फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत में दिए जाने वाला वोट देना बैन अक्वामी सतह पर कनाडा के इसराइल के खिलाफ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अक्वामे मुत्तहदा में फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत में दिए जाने वाला वोट देना बैन अक्वामी सतह पर कनाडा के इसराइल के खिलाफ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ट्रूडो ने इन ख्यालात का इजहार पार्लियामेंट हिल में उस मौके पर किया जब 100 के करीब पार्लियामेंटेरियंस यहूदियों के आने वाली तातीलात के मौके पर जमा हुए थे। ट्रूडो का कहना है कि इस प्रोग्राम से कबल उन्होंने यहूदी बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिन्होंने नवम्बर के आखिर में अक्वामे मुत्तहदा के वोट के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। ट्रूडो का कहना था कि हमारा मौकिफ बिल्कुल वाज़ह है, कनाडा और इसराइल के अच्छे ताल्लुकात अब भी बाकी हैं, लेकिन हम अक्वामे मुत्तहदा में इसराइल से वाबस्ता अफराद के खिलाफ खड़े हैं। कनाडा इसराइल का मुस्तकिल हामी है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश करने जा रही है, जिसमें दौलतमंद कैनेडियन के अलावा आम कैनेडियंस के लिए इनकम टैक्स की छूट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कैनेडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश करने जा रही है, जिसमें दौलतमंद कैनेडियन के अलावा आम कैनेडियंस के लिए इनकम टैक्स की छूट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाएगा। आम इंतखाबात के बाद से ऐवान में की जाने वाली पहली कोशिश उनके पॉलिसी की निशानदेही करता है और अकलती हुकूमत की हैसियत से बातचीत करने के लिए लिबरल्स का पहला इम्तिहान भी है, क्योंकि NDP कुछ रकम डेंटल केयर के शोबे में मुंतकिल करना चाहती है। इस तहरीक में इनकम टैक्स एक्ट में तरमीम करने की तजवीज़ की गई है, ताकि उसे 2023 तक कैनेडियन अपनी कमाई हुई पहली $15,000 की रकम पर कोई वफाकी टैक्स अदा ना करे। इस तब्दीली को अगले 4 सालों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से अंदाजा लगाया गया है कि इस बिल से 20 मिलियन कैनेडियन टैक्स अदा करने वाले कैनेडियंस फायदा उठाएंगे, जिनमें 1.1 मिलियन वो लोग भी शामिल हैं जो टैक्स अदा नहीं करते। कुछ बात कर लेते हैं, हैमिल्टन पुलिस ने चोरी शुदा महंगी गाड़ियां दीगर ममालिक को भेजने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हैमिल्टन पुलिस ने चोरी शुदा महंगी गाड़ियां दीगर ममालिक को भेजने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त के महीने में हैमिल्टन में पुलिस ने चोरी के वाकयात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन सी गुल शुरू किया था। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि गिरफ्तार होने वाला गिरोह किराए पर चलने वाली गाड़ियों की चोरी करता था। जो चोरी की गई 39 में से 7 गाड़ियां इराक जाने वाले एक कंटेनर से बरामद की गईं। तफ्तीशकारों का कहना है कि दीगर गाड़ियां जो बरामद नहीं हुई उनके दीगर ममालिक भेजे जाने का इम्कान है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि इंश्योरेंस ब्यूरो कैनेडा के मुताबिक कैनेडा में $1 बिलियन के करीब मालियत की गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जबकि 2018 में सिर्फ जनूबी ऑन्टेरियो में 9,500 के करीब गाड़ियाँ चोरी हुई थी। ऑन्टेरियो से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं ऑन्टेरियो के अटॉर्नी जनरल ने कानूनी इमदाद के लिए माली मुआवनत की कटौतियों को रोकने के मंसूबे को मौतल कर दिया है, लेकिन इस साल के बजट में 30% कटौती मुस्तकिल कर दी गई है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के अटॉर्नी जनरल ने कानूनी इमदाद के लिए माली मुआवनत की कटौतियों को रोकने के मंसूबे को मौतल कर दिया है, लेकिन इस साल के बजट में 30% कटौती मुस्तकिल कर दी गई है। डॉग डोनी ने ऐलान किया कि फंड्स की मौजूदा हद बरकरार रहेगी, ताहम लीगल एड ऑन्टेरियो के बजट में मजीद कमी नहीं होगी। हमने बहुत मुशावरत की है और हमने मैदान में मौजूद लोगों से बात की है जो खिदमत की फराहमी कर रहे हैं, खिदमात वसूल कर रहे हैं, एजेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा फंड में ही हम खिदमात को बढ़ा सकते हैं। कानूनी इमदाद के लिए $133 मिलियन की कटौती, जिसमें 2021 से 22 तक $31 मिलियन का इजाफा किया जाना था, इसमें कंजर्वेटिव हुकूमत के खजा के मौसम में पेश किए जाने वाले बजट में पहली कटौती की गई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में खुफिया दस्तावेजात शाया कर दी, जिनमें इंकशाफ हुआ है कि अमरीका ने 18 साल अफगान वॉर में हकायक को अवाम से हमेशा छुपाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में खुफिया दस्तावेजात शाया कर दी, जिनमें इंकशाफ हुआ है कि अमरीका ने 18 साल अफगान वॉर में हकायक को अवाम से हमेशा छुपाया। 2000 सफात पर मुश्तमिल खुफिया दस्तावेजात में अमरीकी फौजी अफसरों और अहलकारों के इंटरव्यूज शामिल हैं, जिनमें तकरीबन सभी का कहना है कि इस जंग के बारे में वो हमेशा सच को छुपा कर ये ऐलानात करते रहे कि वो जंग जीत रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इस जंग पर $1 ट्रिलियन खर्च हुए, खवातीन समेत 2300 फौजी हलाक और 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में ये मालूमात जंगी अखराजात और नाअहली का मुहासबा करने वाले सरकारी इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन से हासिल की है। ये मालूमात वियतनाम जंग के बारे में पेंटागन की दस्तावेजात से मिलती जुलती है, जो ऐसे मौके पर सामने आए हैं कि जब अमरीका तालिबान के साथ जंग के पुरमन तस्वीर के लिए दोहा में मुजाकरात कर रहा है। रिटायर्ड नेवी अफसर जेफरी एगर साबिक सुदूर बुश और ओबामा के अदवार में व्हाइट हाउस में भी काम कर चुके हैं। उनका अपने इंटरव्यू में कहना है कि उसामा बिन लादेन अपनी आबी कब्र में जंग के नतीजे पर यह सोच कर हंस रहा होगा कि हमने इस जंग पर कितना पैसा खर्च कर डाला। इसी तरह साल 2013 में अमरीकी फौज के कर्नल और इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अफसर बॉब क्रॉली का कहना है कि वो अपनी हुकूमत को जंग की बेहतरीन तस्वीर दिखाने के लिए हर चीज का डाटा तब्दील कर देते थे। हमारे सर्वे भी मुकम्मल गलत होते थे। हम जिस चीज को हर तरह से ठीक दिखाते थे वो आखिर हमारे ही अपनी चाटी हुई आइस कोन बन जाती थी। बुश और ओबामा के दीवार में सीनियर मिलिट्री एडवाइजर रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डिक्लेस लेविट का अपने इंटरव्यूज में कहना है कि वो अफगानिस्तान के बारे में बुनियादी सूझबूझ से ही आ रही थे। हमें यहाँ तक कि पता नहीं होता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक अफसर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज अपने असल दुश्मन से ही मुकम्मल आगाह नहीं थी। हमारे कमांडरों को ये नहीं बताया जाता था कि हमारे दुश्मन तालिबान है, अलकायदा है, दाइश है या गैर मुल्की जंजू है या CIA के पे रोल पर काम करने वाले जंजू सरदार हैं।
हमारे लिए अच्छे तालिबान कौन और बुरे कौन है, वो कहाँ रहते हैं, या पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है। एक अमरीकी अफसर ने कहा कि हमने अफगानिस्तान के तारीखी पस मंजर का मुताला ही नहीं किया और वहाँ अपने जैसा बाख्तियार मरकजी हुकूमत का निज़ाम लाने की कोशिश की, जबकि वहाँ ढीले ढाले मरकजी निज़ाम के साथ इलाकाई ताकतवर हुकूमतें रही हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान में समाजी निज़ाम तब्दील करने के लिए तकरीबन 138 अरब डॉलर खर्च कर डाले, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इतनी रकम से जंग अजीम के बाद आधे यूरोप की मईशत को बहाल कर दिया गया था। कुछ बात करेंगे, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के सरबरा ने कहा है कि रवा हफ्ते के दौरान सदर ट्रंप के मुआखजे के बारे में वोटिंग कराई जा सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के सरबरा का कहना है कि रवा हफ्ते के दौरान सदर ट्रंप के मुआखजे के बारे में वोटिंग कराई जा सकती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के सरबरा जेरी नैंडलर ने कहा है कि वो समझते हैं कि अगर ट्रंप के मुआखजे का मामला किसी अदालत के सामने पेश किया जाए तो वो 3 मिनट से भी कम वक्त में अमरीकी सदर की मत में फैसला सुना देगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन गैस स्कैंडल ट्रंप के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अमेरिका के 500 वकला और कानूनदानों ने भी कांग्रेस को एक खत लिखकर ट्रंप के रवैये और इकदामात को खयानत करार देते हुए उनका मुआखजा किए जाने का मुतालबा किया है। ट्रंप और यूक्रेन के सदर के टेलीफोनिक मुकालमे का रासफाश हो जाने के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप के खिलाफ तहरीके मुआखजा का हुक्म दिया था। कुछ बात करेंगे, न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में आतिशबाजी फट पड़ा जिसके नतीजे में हलाक होने वाले सयाहों की तादाद 5 हो गई, 34 जख्मी हो गए जबकि 8 सयाह ताहाल लापता हैं। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में आतिशबाजी फट पड़ा जिसके नतीजे में हलाक होने वाले सयाहों की तादाद 5 हो गई, 34 जख्मी हो गए जबकि 8 सयाह ताहाल लापता है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन के मुताबिक मरने वाले सयाहों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, चीन और मलाशिया से है, जबकि जख्मी और लापता होने वालों में न्यूजीलैंड और बरतानिया के शहरी भी शामिल है। जसिंडा आर्डन ने मरने वाले अफराद के लवाकिन से गहरे दुख का इजहार किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त आतिशबाजी के करीब 47 अफराद मौजूद थे जिनमें से 8 ताहाल लापता है, के जख्मी होने वाले 34 अफराद में से 31 अस्पताल में दाखिल हैं जबकि बकिया 3 अफराद घर जा चुके हैं। लापता होने वाले 8 अफराद की तलाश का काम जारी है और उनकी तलाश के लिए खसूसी रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। तहम पुलिस हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि जजीरे पर किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। चिली का फौजी तैयारा बर आजम अंटार्कटिका में लापता हो गया। तैयारे में 3 सिविलियन अफराद समेत 38 अफराद सवार थे। गुमशुदा तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू मिशन रवाना कर दिया गया है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। चिली का फौजी तैयारा बर आजम अंटार्कटिका में लापता हो गया है। तैयारे में 3 सिविलियन अफराद समेत 38 अफराद सवार थे। गुमशुदा तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू मिशन रवाना कर दिया गया। चिली की फजाई की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तैयारे में अमले के 17 अफराद और 21 मुसाफिर थे। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुसाफिरों में 3 सिविलियन अफराद भी शामिल हैं। C-130 हरकुलिस तैयारे ने मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे चिली के पेंटा अरीनाज एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी जिसका 1 घंटे 5 मिनट बाद कंट्रोल रूम से राबता मुनकता हो गया था। चिली के हुकाम का कहना है कि तैयारे की तलाश का काम जारी है। 2 F-16 तैयारे तलाश के लिए जाने वाले 4 बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए रवाना किए गए हैं। चिली के सदर का कहना है कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।